लोकसभा 2019 का चुनावी महासंग्राम अंतिम चरण के साथ खत्म हो चुका है, जहां हर तरफ एग्जिट पोल में पूरी तरह यह दिखा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए जोरदार वापसी कर रही है। लेकिन उससे इतर हम आपको एक ऐसा एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप तो चौंकेंगे ही। वही इस एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे होंगे, उन सभी से हटकर जब आप इस एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे, तब आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कांग्रेस की एक बार फिर से वापसी होगी या फिर एनडीए के नेतृत्व में दोबारा से मोदी सरकार सत्ता में आएगी। दोस्तों, इस एग्जिट पोल के आंकड़े को देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह आंकड़ा आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसको बताने से पहले आपको बता दूं कि लोकसभा के 543 सीटों पर इस एग्जिट पोल के आंकड़े निकालने के लिए लगभग 2 लाख शहरी एवं ग्रामीण मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिसमें इस एग्जिट पोल के आंकड़ों में यह निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए को 543 लोकसभा सीटों में से 198 से 208 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से 165 से 175 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अन्य को 543 लोकसभा सीटों में से 109 से 119 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस 543 लोकसभा सीटों में से SP-BSP गठबंधन को 42 से 52 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटों में से 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस एग्जिट पोल के आंकड़े को हमने आपके सामने रखा है, दरअसल उस आंकड़े को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया से जुड़े अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस वॉलंटियर का यह एग्जिट पोल है। हालांकि यह एग्जिट पोल अपने आप में कितना सही और कितना गलत है, इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है। 23 मई को रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं।